नॉन वेज डिश है बट उसे वेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो आज हम मेरी मॉम की सीक्रेट रेसिपी से सीखने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। घी स्टू बनाने के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की जरूरत है वो इस प्रकार है। जैसे अपन ने 1 किलो घिया लिया, कच्चा बिल्कुल। उसके लिए 250 ग्राम प्याज चॉप किए हुए कटे हुए, 250 ग्राम दही, पोथी लहसुन और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, दोनों को मिला के पेस्ट बना लिया। मीडियम साइज के 4 टमाटर और 4 हरी मिर्चें और 4-5 साबुत लाल मिर्च के चॉप की हुई, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून मिर्ची लाल वाली और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। बनाना शुरू करते हैं। पहले हमने कुकर लिया। अब सबसे पहले हमने कुकर में जितना ये घिया चॉप किया था 1 किलो ये डाला। उसके बाद हमने प्याज डाले, ये 250 ग्राम प्याज ये डाले। उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्च डाली, उसके बाद टमाटर डाले, उसके बाद इसमें साबुत लाल मिर्च डाली, आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। और ये हमने अपना लाल मिर्च डाली, फिर हमने साबुत धनिया डाला, उसके बाद 1 टेबलस्पून जीरा डाला, फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो बना रखा था ये डाला, उसके बाद हमने 250 ग्राम दही का ये डाला, फिर हमने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाला, फिर हमने इसमें नमक आवश्यकता अनुसार, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे पूरा अच्छे से सब चीजों को। अब हम इसको एक प्रेशर देंगे हल्का सा, इसको गैस को सिम करके इसे उठाएंगे। कुकर को थोड़ा ठंडा होने देंगे और हल्का सा अब कढ़ाई लेंगे, इसका प्रेशर निकाल देंगे, इसका हम प्रेशर निकाल देंगे। पॉक लगाने के लिए ये साबुत मसाले हैं, गरम मसाला है जिसमें 3 इलायची कुटी हुई मोटी मोटी, 5-6 काली मिर्चें और लौंग 3-4 लौंग, तेजपत्ता, दालचीनी, प्याज। हमने तेल घी को ठंडा करने के लिए रखा है। घी डालेंगे, ये हमने 1 चम्मच घी डाला। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे 5-6, ये अपन 3-4 लौंग डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे,
तीन चार टुकड़े दालचीनी के। अब अपना ये घी बहुत गर्म है, ये मैं आपको स्पेशल टिप बता रही हूँ ताकि अपना ये पानी वाला ये डालने से पहले चमका तेज हो जाता है, इससे सारा घी उड़ जाता है। तो हम गैस को सिम करेंगे और ये हम इसमें प्याज डाल देंगे। सब्जी डालने से पहले थोड़ा सा आधा प्याज काट के डाल देंगे और गैस को सिम कर देंगे, इससे घी नहीं उछलेगा नहीं, एकदम चारों तरफ छिटे पड़ जाते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे, अच्छे से घी छोड़ने तक भूनना है। ये इसका घी ऊपर आने लगेगा, बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है। चाहे तो हम इस रेसिपी को घी की जगह तेल में भी बना सकते हैं। इसको अच्छे से इसको अब हम सर्व करते हैं। इसे हम चावल के साथ, रोटी के साथ और नान के साथ, किसी भी चीज के साथ, ब्रेड के साथ खास सर्व कर सकते हैं। ये और बनाइए मम्मा की बनाई हुई स्पेशल स्टू रेसिपी। इफ यू लाइक द रेसिपी प्लीज शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो फ्रेंड्स, क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पेशल मॉम्स को ताकि अपकमिंग वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्पेशल मॉम्स को। थैंक यू।